उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के चार धामों में एक है। वर्तमान मंदिर 12वीं शताब्दी का माना जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण, बलराम और उनकी बहन सुभद्रा जी की पूजा की जाती है। और यहां हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा पुरी का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। तो आइए जानते हैं इस रथ यात्रा के इतिहास और इससे जुड़ी मान्यताओं के बारे में। आखिर कब निकलती है रथ यात्रा? दोस्तों, हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। आखिर क्यों निकालते हैं रथ यात्रा? इस रथ यात्रा को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि एक दिन भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा जी ने उनसे द्वारिका के दर्शन कराने की प्रार्थना की। तब भगवान ने उनको पूरा नगर रथ में बिठाकर भ्रमण करवाया था। इसके बाद से इस रथ यात्रा की शुरुआत हुई। इस रथ यात्रा के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्मा पुराण में बताया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस यात्रा में जो भी व्यक्ति रथ खींचता है उसे 100 यज्ञ करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। आखिर कैसे निकलती है रथ यात्रा? दोस्तों, रथ यात्रा की शुरुआत जगन्नाथ मंदिर से शुरू होती है और लगभग 2.5 किलोमीटर दूरी तक गुड़ीचा मंदिर तक जाती है, जिसे जगन्नाथ जी की मौसी का घर माना जाता है। यहाँ 7 दिनों तक जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जी विश्राम करते हैं और 8वें दिन मुख्य मंदिर के लिए यात्रा निकलती है। यात्रा में कितने रथ होते हैं? पूरी जगन्नाथ में 3 अलग अलग रथ निर्मित किए जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ होता है, जिसकी पहचान लाल व हरे रंग से की जाती है, जिसे ताल ध्वज कहते हैं। इसके बाद सुभद्रा जी का रथ होता है, जिसे नीले व लाल रंग से सजाया जाता है, जिसे पद्म रथ कहा जाता है। और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ जी का रथ होता है, जो लाल और पीले रंग का होता है, जिसे नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहते हैं। सभी रथ नीम की पवित्र और परिपक्व लकड़ियों से निर्मित किए जाते हैं, जिसे दारू कहते हैं। रथ यात्रा कितने दिनों तक चलती है? दोस्तों, पूरी रथ यात्रा 9 दिनों तक चलती है, जो मुख्य मंदिर से गुड़ीचा मंदिर के बीच होती है, जिसमें लाखों श्रद्धालु देश विदेश से रथ यात्रा में शामिल होते हैं और भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर प्रकट करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय जगन्नाथ।